हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। आज हम यूनिट 6 के जो हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन का यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स, इसको पढ़ेंगे। पहले हम देख लेंगे कि फर्नीचर का डिफिनेशन क्या होता है। हमें सबको पता है कि फर्नीचर्स क्या होते हैं और फर्निशिंग्स भी क्या होते हैं, लेकिन हमें डेफिनेशंस को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो फर्नीचर का डेफिनेशन और फर्निशिंग का डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। तो फर्नीचर का डेफिनेशन कैसा होता है? फर्नीचर आर डिफाइंड एज मूवेबल इक्विपमेंट Those are made for a person's office or home for better comfort and suitable to the nature of the space. इसका मतलब क्या होता है कि फर्नीचर कोई भी इक्विपमेंट है जो हमारे वर्क प्लेस पे या घर पे हम रखते हैं, जिसकी मदद से हमें हमारे घर को ज्यादा अच्छी तरह से हम सजा सकते हैं, हम अपना बेटर कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक जो हमारा होम स्पेस होता है या फिर वर्क स्पेस होता है उसके सूटेबल हम कुछ फर्नीचर्स रख सकते हैं, हम कुछ इक्विपमेंट रख सकते हैं जिसको हम फर्नीचर्स बोलते हैं, जो मूवेबल भी होता है। फर्नीचर्स और मूवेबल इक्विपमेंट, ठीक है। It can be used for living, sitting, storage, sleeping, working, eating, etc. So, हम फर्नीचर की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चेयर्स हो गए, चेयर्स में हम बैठते हैं, या फिर सोफा या काउच, ये सब में हम बैठ सकते हैं। बेड्स होते हैं फर्नीचर में जिसपे हम सो सकते हैं। स्टोरेज के लिए अलमीरा हो गया या फिर कोई कबर्ड्स हो गया तो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। वर्किंग के लिए हम कोई भी वर्क प्लेस या वर्क डेस्क बनाते हैं। ईटिंग के लिए हमारे डाइनिंग रूम्स में हम डाइनिंग टेबल सेटअप करते हैं। इससे इन सबको हम फर्नीचर कह सकते हैं, ठीक है। फॉर होम डेकर फर्नीचर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। टाइप्स ऑफ फर्नीचर और नेम्स ऑफ द फर्नीचर हेल्प्स टू डेकोरेट द रूम्स, ठीक है। हमें कोई भी एक इंटीरियर डिजाइन करने से पहले, एक रूम को डेकोरेट करने से पहले, हमें पहले देखना चाहिए क्या कि कौन से रूम को हम डेकोरेट करें। हर एक रूम का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, अलग अलग स्पेस होता है, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो हर एक रूम का इक्विपमेंट्स या फिर फर्नीचर अलग अलग होगा, तो हमें पहले देखना है कि रूम का नेचर कैसा होता है, कैसा है, और फिर देखना है कि उस रूम में कैसे कैसे टाइप के फर्नीचर हम रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें हर तरीके के फर्नीचर के बारे में जानकारी होना चाहिए, हर टाइप का फर्नीचर के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम के लिए कुछ फर्नीचर टाइप्स देख लेते हैं कि कैसा कैसा होता है। तो लिविंग रूम के लिए पहले हम देखते हैं कि लिविंग रूम क्या होता है। एक घर का मेन फोकल पॉइंट होता है लिविंग रूम। इट इज द मेन फोकल पॉइंट ऑफ द हाउस वेयर इट इज नेसेसरी टू फिल द स्पेसेस विथ प्रैक्टिकल येट ब्यूटिफुल फर्नीचर। A living room should have enough space to host a crowd yet allow guests for movement. तो living room कैसा होना चाहिए? जैसे living room एक घर का main focal point होता है, तो living room का furniture कैसा होना चाहिए? जैसे एक practical furniture हो, मतलब जो चीजें जरूरत है एक living room के अंदर वो चीजें भी include होना चाहिए, और ऊपर से वो furniture अपने पूरे घर को represent भी करे, एक पूरे घर का एक moral view represent करे, ठीक है। ऐसा living room setup करना चाहिए। तो Living room should have enough space to host a crowd yet allow guests for movement. चाहे कितना भी गेस्ट आए, लिविंग रूम में एक मिनिमम क्राउड हैंडल करने जैसा स्पेस होना चाहिए। ऑल्सो अगर ज्यादा भीड़ हो जाए तो भी एक गेस्ट मूवमेंट कर सके ऐसा स्पेस भी होना चाहिए, ऐसा स्पेस भी प्रोवाइड करना चाहिए एक लिविंग रूम के अंदर।
तो ये एक पिक्चर, ये दो पिक्चर है कि कैसा एक लिविंग रूम हो सकता है। एक सोफा होना चाहिए, साइड टेबल होना चाहिए, कॉफी टेबल होना चाहिए, कुछ एक्सेसरीज एंड बहुत सारे। ये रूम वेल लिट होना चाहिए। वेल लिट मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से नेचर लाइट या फिर एयर मूव एयर स्पेस मूवमेंट किया जा सके, ऐसा लिविंग रूम होना चाहिए। ठीक है, तो डाइनिंग रूम में आ जाता है कि डाइनिंग रूम कैसा होता है। डाइनिंग रूम होता है जैसे दिस इज द रूम वेयर बिग सेलिब्रेशंस, बर्थडे पार्टीज, फैमिली डिनर इज टू बी हेल्ड। This should consist of dining tables, armchairs, side chairs, counter stools, etc. It should be welcoming and cozy to the guest. तो डाइनिंग रूम हमारा कैसा होना चाहिए? डाइनिंग रूम होता है हम वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, है ना। तो डाइनिंग रूम में हम जब बैठ के खाना खाते हैं या फिर कोई भी पार्टी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई एनिवर्सरी हो या फिर कोई छोटा मोटा फैमिली गैदरिंग्स क्यों ना हो, ताकि ये डाइनिंग रूम ऐसा होना चाहिए, बहुत स्पेसियस भी होना चाहिए, जहाँ पे गेस्ट को अपना वेलकमिंग या फिर कोजी वाला फीलिंग्स आए। या फिर और एक होता है कि डाइनिंग रूम में कैसा कैसा फर्नीचर्स इंक्लूड होना चाहिए। डाइनिंग टेबल्स होना चाहिए, आर्म चेयर्स होना चाहिए, साइड चेयर्स होने चाहिए, काउंटर स्टूल्स होने चाहिए, एक अलग सा सर्विंग काउंटर भी होना चाहिए, जहाँ पे डाइनिंग रूम का स्पेस बहुत बढ़ जाता है और अच्छे से वो गेस्ट भी मूवमेंट कर सकते हैं और स्पेशियस भी लगता है। ठीक है, तो ये होता है एक एक डाइनिंग रूम का डिपिक्शन दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं कैसे एक डाइनिंग रूम होता है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेडरूम में। बेडरूम का कैसा स्पेस होना चाहिए या फिर कैसे फर्नीचर्स इंक्लूड होना चाहिए। तो बेडरूम अलाउज मोर डिजाइन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, एज इट कैन बी डेकोरेटेड विद जस्ट वन पर्सन्स प्रेफरेंसेस। तो ये क्या होता है बेडरूम, क्या क्या होता है बेडरूम में, एक या फिर दो लोगों के लिए ही, वन और टू पर्सन्स प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस के अंदर ही हम एक बेडरूम को डिजाइन कर सकते हैं। बेडरूम में हम एक पर्सन के, एक पर्सनालिटी के कुछ भी डिजाइन या फिर कुछ भी बहुत सारे क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल बेडरूम कंसिस्ट ऑफ बेड्स, हेडबोर्ड्स, नाइट स्टैंड्स, ड्रेसर्स, मिरर्स, मैट्रेसेस एंड एक्सेट्रा। सो आइडियल एक बेडरूम में क्या क्या होना चाहिए, एक बेड होना चाहिए, बेड के ऊपर हेडबोर्ड्स होना चाहिए, नाइट स्टैंड्स होने चाहिए, ड्रेसर्स होने चाहिए, मिरर या मैट्रेसेस होने चाहिए, ये सब एक बेडरूम के डिपिक्शंस होने चाहिए। बेडरूम में नॉर्मल मिनिमम इतने फर्नीचर्स होने चाहिए और एक बेडरूम को हम पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, जो जिस पर्सन के लिए एक बेडरूम बनाया जाता है या डिजाइन किया जाता है उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम उसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। ये दो पिक्चर्स दिए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बेडरूम को कैसे पर्सनलाइज किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक ऑफिस। घर में भी कभी कभी हम ऑफिस स्पेस बनाते हैं या फिर एक ऑफिस वर्क प्लेस के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि वर्क प्लेस में भी हमें फर्नीचर्स चाहिए होता है या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग चाहिए होता है, है ना। तो ऑफिस में क्या क्या इंक्लूड होता है। अ पर्सन वर्क कैन बी फ्रॉम ऑफिस फॉर फुल टाइम और कैन यूज इट टू कैच अप ऑन बिजनेस आफ्टर आवर्स और कैन बी इन अ होम स्पेस। अ पर्सन्स वर्क कैन बी फ्रॉम ऑफिस फॉर फुल टाइम, मतलब क्या है इसका कि एक कोई भी आदमी, किसी का काम होता है कि घर से ही काम कर रहे हैं या फिर किसी का काम होता है कि फुल टाइम ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर होता है कि एक बिजनेस के लिए जा रहे हैं लेकिन ऑफिस स्पेस के लिए एक अलग सा वर्क प्लेस डिजाइन किया हुआ है। तो सॉरी, ऑफिस के लिए ये सब ऐसा स्पेस हमको चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रोडक्टिव भी हो, अच्छा कंफर्टेबल भी हो, इनफ टू प्रोवाइड अ गुड वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है,
ठीक है. इट शुड कंसिस्ट ऑफ डेस्क, स्टोरेज कैबिनेट, बुक केसेस एक्सेट्रा. ऑफिस में ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है फर्नीचर में, सिर्फ एक डेस्क चाहिए जो एक एक वेल मैनर्ड वेल ऑर्गेनाइज डेस्क होना चाहिए. स्टोरेज कैबिनेट्स होना चाहिए फाइल्स एंड फोल्डर्स सब रखने के लिए, और बुक केस होना चाहिए कुछ भी बुक्स या फोल्डर्स रखने के लिए. ठीक है, ये ऐसा एक होता है एक आइडियल ऑफिस स्पेस का डिजाइन. ठीक है, जैसे ये डेस्क हो गया, ये वाला डेस्क हो गया, ये कैबिनेट्स हो गए, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हो गए इधर, और यहाँ पे बुक्स भी रख सकते हैं. ठीक है, तो आ जाते हैं किचन में. किचन किचन क्या होता है कि एक घर में एक किचन का बहुत होना जरूरी होता है, क्योंकि किचन इज द प्लेस वेयर अ कुक स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम टू मेक मील्स एंड टिफिन फॉर द एंटायर फैमिली. तो किचन में ही जो होम वर्कर होते हैं, या फिर जो होम मेकर्स होते हैं, हाउसवाइफ्स होते हैं, या फिर जो भी घर में जो भी कुक करते हैं, उसका मैक्सिमम टाइम जो होता है एक दिन का, उसका मैक्सिमम टाइम किचन में ही गुजरता है. तो किचन कैसा होना चाहिए? किचन ऐसा होना चाहिए कि ये बहुत स्पेशियस होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. ओके, कंटेंस इनफ ऑफ स्टोरेज. इट शुड बी वेल लिट एनवायरमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ फ्रिज, स्टोरेज कंपार्टमेंट, सर्विंग काउंटर्स, कुकिंग काउंटर्स, वेल गुड वाटर सप्लाई एंड एक्सेट्रा. तो किचन में हमें क्या क्या चाहिए होता है? बहुत सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं कुक फूड्स रखने के लिए, या फिर रॉ फूड्स रखने के लिए, या फिर कुकिंग इक्विपमेंट्स रखने के लिए. ठीक है ना. तो सर्विंग काउंटर होना चाहिए जहाँ पे आप सर्व करने के लिए जो कुक फूड्स होते हैं वो सब रख सकते हैं. कुकिंग काउंटर अलग से होना चाहिए. 24 घंटे वाटर सप्लाई रहना चाहिए. ऐसा एक वेल लिट एनवायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पे एक कमरा जहाँ पे बहुत अच्छे से लाइट्स एंड ऑल आते हैं, उसको हम वेल लिट बोलते हैं. लाइट एयर बहुत अच्छे से पास करते हैं, उसको हम वेल लिट एनवायरमेंट बोलते हैं. तो किचन हमारा ऐसा स्पेसियस होना चाहिए, और इसमें इतने सारे फर्नीचर्स होने चाहिए. ठीक है, ये दो पिक्चर्स है यहाँ पे. ये एक पिक्चर्स है, ये मॉडर्न मॉडर्न किचन का, दोनों ही पिक्चर्स है. मॉडर्न किचन कैसा होना चाहिए? ये होता है एक काउंटर, ये होता है काउंटर चेयर्स. ठीक है, और ये होता है कुकिंग काउंटर जो बोलते हैं, और ऐसे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स रहते हैं. ठीक है, ठीक है. तो हम फर्निशिंग्स पे आ जाता है. तो फर्निशिंग्स क्या होता है? टू एड ऑन फर्नीचर इन एन एम्प्टी प्लेस इज नॉट द ओनली थिंग रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्लीट डिजाइन ऑफ एनी रूम. सिर्फ एक खाली कमरे में आप बहुत सारे फर्नीचर्स रख देंगे तो ही एक कंप्लीट डिजाइन नहीं हो जाता, एक रूम का परफेक्ट डिजाइन नहीं होता. तो फर्निशिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फर्निशिंग्स आर दोज लिटिल एक्स्ट्रा डिटेल्स एडेड ऑन टू द रूम. ठीक है, दस एनहेंसिंग द व्यू ऑफ द रूम ओवरऑल. तो फर्निशिंग्स क्या होता है? फर्निशिंग्स वो लिटिल छोटे मोटे एक्स्ट्रा डिटेल्स होते हैं जो हम एक बेड के ऊपर, या चेयर के कुशंस के ऊपर, या फिर कर्टन्स के थ्रू, बहुत सारे छोटे मोटे चीजें होते हैं जो हम एक रूम में ऐड करेंगे तो उस रूम का ओवरऑल व्यू बहुत ज्यादा निखर के आएगा. एक रूम का परफेक्ट डिजाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू फर्निशिंग. ठीक है, तो दे कैन बी व्हाट आर दोज फर्निशिंग्स इक्विपमेंट्स कैन बी. दे कैन बी लैम्प शेड्स, टेबल लाइनर्स, फ्लावर वास, कुशंस, लाइट स्टैंड, रग्स, लूज कवर्स, बेडिंग्स एंड कवर्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, समझ गए. तो फर्निशिंग्स कैन बी डन बाई थ्री मेथड्स. वो तीन मेथड्स क्या क्या है, तीन तरीके क्या क्या है कि टेक्सचर का यूज कर सकते हैं हम. कोई भी एक सीरीज ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इन द रूम एड्स अ न्यू डायमेंशन. ठीक है, तो एक रूम के अंदर हम अगर एक के बाद एक सीरी एक टेक्सचर ऐड करते जाएंगे तो रूम को एक न्यू डायमेंशन मिलेगा.
जैसे एक बेडरूम के अंदर अगर हम सोफा कुशंस और कर्टन्स को मैच करके एक टेक्सचर में ला के फिर अगर उसको डिजाइन करेंगे तो एक पैटर्न आएगा जिसको हम बोल सकते हैं कि टेक्सचर का यूज करते हुए हम फर्निशिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड में हम क्या देख सकते हैं कि यूज ऑफ पैटर्न्स एंड कलर्स, ठीक है। तो प्लेंटी ऑफ कलर इन वन रूम फील्स वेरी वन डायमेंशनल विदाउट डिफरेंट पैटर्न्स। अगर हम एक ही रूम के अंदर बहुत सारे कलर्स इंक्लूड कर देंगे और सारे कलर्स एकदम रॉ कलर्स हो गए तो एक चांस है कि वो एक वन डायमेंशनल टाइप दिखने लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। जबकि हम अगर थोड़े दो तीन कलर्स ऐड करें और उसके साथ कुछ पैटर्न्स भी ऐड कर दे तो हमें वो चीज एक लेयर्ड में दिखेगा और एक बहुत अच्छा सा डिजाइन भी खिल के आ सकता है। थर्डली होता है कि यूज ऑफ लेयर्स एंड क्रिएटिंग बैलेंस। यूजिंग इन अ राइट वे ऑफ टेक्सचर्स पैटर्न्स एंड कलर्स अ लेयर कैन बी क्रिएटेड इन अ रूम एंड अ बैलेंस टू द रूम कैन बी एडेड। सो जब भी हम फर्निशिंग करें तो ये एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम टेक्सचर जो ऐड कर रहे हैं या पैटर्न्स और कलर्स जो ऐड कर रहे हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मर्ज करें। अगर ये तीनों अपने आप में मर्ज कर जाएंगे तो एक अच्छा सा डिजाइन खिल के आएगा और एक अच्छा सा रूम डेकोरेट होके आएगा और ये रूम बहुत बैलेंस्ड भी दिखेगा, जो भी देखेगा उसको बहुत बैलेंस्ड तरीके का दिखने में लगेगा, ठीक है। तो फर्निशिंग कैन बी डन बाय दिस थ्री। तो कुछ होते हैं कुछ अच्छा, तो हम कुछ पीरियड होते हैं हिस्ट्री में, कुछ पीरियड्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड कौन सा पीरियड में बोलते हैं हम? अप्रोक्स 5500 टू 2500 बीसी के टाइम को हम नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ऑर्कनी स्कॉटलैंड इज where stone dressers and cupboards first originated for storage. तो नियोलिथिक पीरियड में हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्टोन वाले चीजें ही इस्तेमाल किया जा रहा है और फर्स्ट जो ओरिजिनेट हुआ था स्कॉटलैंड में हुआ था वो एक ड्रेसर और एक कबर्ड हुआ था जो ओरिजिनेट हुआ था फर्स्ट स्कॉटलैंड में बाय विथ द हेल्प ऑफ स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द क्लासिकल वर्ल्ड। क्लासिकल वर्ल्ड कौन सा था? फ्रॉम 9th टू 8th सेंचुरी बीसी इसको हम द क्लासिकल वर्ल्ड बोलते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट एंड ग्रीस मोस्ट पॉपुलर वॉज बेड्स चेयर्स एंड हेडरेस्ट। तो क्लासिकल वर्ल्ड हम उस पीरियड को बोलते हैं जहाँ पे इजिप्ट और ग्रीस में हम देखते हैं कि बेड्स चेयर्स और हेडरेस्ट ऐसे कुछ फर्नीचर्स धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं। नेक्स्ट पीरियड हम आ जाते हैं अर्ली मॉडर्न यूरोप। ये होता है 500 टू 1500 एडी। इन यूरोप हेवी ओक चेयर्स विद आर्टिस्टिक डिजाइंस वाज मेड नोन एज मेडिवल फर्नीचर। ये अर्ली मॉडर्न यूरोप के पीरियड के अंदर हम देख रहे हैं कि ओक ट्री के जो वुड्स होते हैं उसके थ्रू हमें चेयर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी आर्टिस्टिक डिजाइन में। और इस एरा में और ये इस मॉडर्न यूरोप अर्ली मॉडर्न यूरोप एरा में जो भी फर्नीचर्स डिजाइन होते थे उसको हम मेडिवल फर्नीचर बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19th सेंचुरी। ये होता है 1801 टू 1900। गोथिक स्टाइल गेट्स पॉपुलर एंड फर्नीचर वेयर मोर आर्टिस्टिक एंड डिटेल्ड डिजाइंड। सो जो ये इस 19th सेंचुरी में क्या होता था कि गोथिक स्टाइल जो है एक आर्किटेक्चुरल स्टाइल होता है गोथिक स्टाइल, ये हम बाद में पढ़ेंगे।
तो गोथिक स्टाइल पॉपुलर होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, और जो फर्नीचर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक एंड डिटेल्ड वाला डिजाइन करके ये फिर मैन्युफैक्चर होने लगता है और पॉपुलर भी होते हैं। नेक्स्ट एरा क्या होता है? नेक्स्ट एरा है अर्ली नॉर्थ अमेरिका, ये है अर्ली 20th century में ये हम देखते हैं। इन अमेरिका फर्नीचर्स वेर मोर बेसिक एंड मेड ऑफ नेसेसिटी, ऑफन यूज द वुड ऑफ चेरी और वॉलनट। ये अमेरिका में अर्ली 20th century में हम देख रहे हैं कि फर्नीचर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन अमेरिका में फर्नीचर्स बहुत बेसिक सा होते हैं एंड बहुत ही सिर्फ नेसेसिटी के लिए ही बनाया जाते हैं। तो ये अमेरिका में मैक्सिमम कौन से वाले वुड इस्तेमाल होते थे? ये अमेरिका में मैक्सिमम चेरी और वॉलनट के लकड़ी जो होते थे, चेरी और वॉलनट वुड यूज होते थे टू मेड फर्नीचर्स। आज फिर आ जाते हैं मॉडर्निज्म में। मॉडर्निज्म होता है द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का के बाद का एरा, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद से 1945 के बाद से पूरा एरा होता है मॉडर्निज्म का एरा। ठीक है, सिंपल एंड स्लीक नीड्स विद आर्टिस्टिक डिजाइन गेट्स पॉपुलर। ये जो मॉडर्निज्म एरा में होता है, मॉडर्निज्म एज में बहुत ही सिंपल स्लीक वाला डिजाइन्स बहुत पॉपुलर हो जाते हैं एंड आर्टिस्टिक डिजाइन वाले भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। और क्या आ जाते हैं? अर्ली 1920s में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम इको डिजाइन बोलते हैं। ये अर्ली 1920s में जो कॉन्सेप्ट आता है इको डिजाइन वाला, ये मेड अप फॉर द फर्नीचर यूज्ड फॉर होल्डिंग अप विदाउट ड्रेनिंग अर्थ रिसोर्सेस। तो इको डिजाइन मेनली फोकसेस ऑन मेकिंग अप द फर्नीचर्स, लेकिन फर्नीचर्स जो यूज होने लायक हो, नीड्स पूरा करे, कंफर्ट दे, लग्जरी दे, और ऊपर से एक और चीज भी प्रोवाइड करना चाहिए जो अर्थ रिसोर्सेस है उसको हार्म ना पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा अर्थ रिसोर्सेस को हम बचा सके। इसी के लिए ये वाला इको डिजाइन का एरा स्टार्ट हुआ था इन अर्ली 1920s। ठीक है, ये सारे पीरियड्स होते हैं, बस पीरियड के नाम याद रख लीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड, द क्लासिकल वर्ल्ड, अर्ली मॉडर्न यूरोप, 19th century, अर्ली नॉर्थ अमेरिका, मॉडर्निज्म एंड इको डिजाइन, ये सारे एरा के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये हमने पढ़ लिया फर्नीचर का हिस्ट्री कैसा था। तो अब हम आ जाते हैं आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर एक आर्ट होता है, एक टेक्निक होता है जिसकी मदद से हम कोई भी डिजाइन का या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन प्लान करके भी हम कोई भी डिजाइन का एक बिल्डिंग बना सकते हैं। इसी टेक्निक को हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। जो भी हम पेन और पेपर में करते हैं, दैट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर द आर्ट and technique of designing and building as distinguished from the skills associated with construction. ठीक है, it is both the process and the product of planning, designing and constructing buildings or other structures. तो architecture के अंदर आता है कि हम एक आर्किटेक्चर होता है, एक प्रोसेस, एक टेक्निक भी होता है जिसके मदद से हम कुछ प्लान करते हैं, कुछ डिजाइन करते हैं और एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट या फिर कोई भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। और जब भी हम प्लानिंग और डिजाइनिंग करें, ये इसका जो प्रोडक्ट है ये भी एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग ही कहलाता है। तो आर्किटेक्ट्स क्या होते हैं? एन आर्किटेक्ट इज अ स्किल्ड प्रोफेशनल हु प्लान्स एंड डिजाइन्स बिल्डिंग्स एंड जनरली प्लेज अ की रोल इन देयर कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्ट्स आर हाईली ट्रेन्ड इन द आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग डिजाइन। तो आर्किटेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी आर्किटेक्चर वाला प्लानिंग या डिजाइनिंग बनाते हैं, इन उन प्रोफेशंस को, उन प्रोफेशनल स्किल प्रोफेशनल्स को हम आर्किटेक्ट्स बोलते हैं।
ठीक है, आर्किटेक्ट्स बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं इन द आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग डिजाइन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों में इनको बहुत ज्यादा स्किल्ड होना पड़ता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहना पड़ता है, और इसी की मदद से ये नया कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ डिजाइन बना सकते हैं. तो द आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड टेक्निक बाय व्हिच अ डिजाइन कैन बी मेड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर. और आर्किटेक्ट्स आर दोज प्रोफेशनल्स हु मेड अ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर और बिल्डिंग. ठीक है, तो हम अब देखेंगे कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं, उस स्टाइल्स के बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए. तो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में पहले ही आता है जो क्लासिक स्टाइल होते हैं. तो क्लासिक स्टाइल होते हैं वो पहले दिखाई दिए थे 7th to 4th century BC में इन एंशियंट ग्रीस. ये सबसे ज्यादा यूज होते थे लार्ज रिलीजियस टेंपल्स में जो स्टोन्स के बने होते हैं एंड डिजाइंड फ्रॉम सिमेट्री, ज्योमेट्री एंड पर्सपेक्टिव, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ठीक है, ये क्लासिक स्टाइल के जो मेन प्रिंसिपल्स थे आर्किटेक्चरल ऑर्डर्स के जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो तीन प्रिंसिपल्स थे, एक डोरिक, आयोनिक एंड कोरिंथियन. ठीक है, डोरिक मतलब जो ऐसे वाले पिलर्स होते थे ना, इसको हम डोरिक बोलते हैं. आयोनिक ऐसे वाले जो पिलर्स होते थे उसको हम आयोनिक बोलते हैं, और कोरिंथियन ऐसे वाले पिलर्स को हम कोरिंथियन बोलते थे. तो क्लासिक स्टाइल का एक अच्छा जो क्लासिक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जो एथेंस में है, एक पार्थेनॉन करके जो टेम्पल है उसको ये होता है क्लासिक स्टाइल का, क्लासिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ था. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गोथिक स्टाइल. गोथिक स्टाइल हुआ करते थे 900 टू 1300 ईयर्स के अंदर इन लेट मिडिल एजेस फ्रांस में होता, ये देखा गया था. इसका ओरिजिनल नेम है ओपस फ्रांसिजियम. ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम है ओपस फ्रांसिजियम. It referred to the vertical and majestic architecture. Most Gothic buildings are considered as UNESCO World Heritage Site. France में जितने भी Gothic buildings है उसको अभी UNESCO World Heritage Site के अंदर ले लिया गया है. तो main examples कैसे थे, जैसे ये वाला कैथीड्रल चर्च है, नोट्री डामे कैथीड्रल चर्च, और ये रेम्स कैथीड्रल चर्च, ये दोनों Gothic style से बने गए थे. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नियो क्लासिकल स्टाइल. नियो क्लासिकल स्टाइल 18th सेंचुरी में यूरोप में हुआ था, देखा गया था. द रिवाइवल ऑफ द यूरोपियन कल्चरल प्रोडक्शन ब्रॉट एन आर्किटेक्चर ओरिएंटेड रैशनल सिमेट्री. थ्री टाइप्स ऑफ नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर आर टेम्पल स्टाइल, पैलेडियन स्टाइल एंड क्लासिकल ब्लॉक स्टाइल. नियो क्लासिकल स्टाइल क्या होता था 18th सेंचुरी में, इसको देखे गए थे. तो यूरोप में ये मेनली देखा गया था. तो इसका ये तीन नियो क्लासिकल स्टाइल तीन टाइप के होते हैं, टेम्पल स्टाइल होता है, पैलाडियन स्टाइल होता है और क्लासिक ब्लॉक स्टाइल होते हैं. ठीक है, तो नियो क्लासिकल स्टाइल का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है ये वाला ओल्ड म्यूजियम. ठीक है, बर्लिन में ये जो ओल्ड म्यूजियम है कर्ल फ्रेडरिक स्केनिकल्स ओल्ड म्यूजियम, ये नियो क्लासिकल स्टाइल से बना हुआ था. नेक्स्ट हम देखते हैं बैरोक. बैरोक स्टाइल 16th सेंचुरी में देखा गया था यूरोप में. मेकिंग यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड एलिमेंट्स बाय कॉन्ट्रास्टिंग लाइट एंड डार्क. बैरोक स्टाइल कैसा था, जो ऑर्नामेंट्स, एलिमेंट्स, मिरर, ये सब वर्क के, ये सब को मिला के लाइट और डार्क के कंट्रास्ट के मदद से जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है उसको हम बैरोक स्टाइल बोलते हैं. तो बैरोक स्टाइल में ये रोम में जो चर्च है, चर्च ऑफ जेशु, ये बैरोक स्टाइल में बना हुआ था. ठीक है, तो नेक्स्ट
हम देखते हैं नेक्स्ट स्टाइल होता है बेक्स आर्ट्स. बेक्स आर्ट्स मिड 1830s में देखा गया था इन पेरिस. इट एस्टेब्लिश लैंग्वेजेस रेफर्ड टू नियो क्लासिज्म, गोथिक एंड द रेनेसा. इट ऑल्सो एम्प्लॉयड कंटेम्प्रेरी मेटेरियल सच एज ग्लास एंड आयरन. द बिल्डिंग्स फ्रॉम दिस मूवमेंट एग्जिबिट स्कल्पचरल ऑर्नामेंटेशन ब्लेंडेड विथ मॉडर्न लाइट. तो ये बेक्स आर्ट्स स्टाइल से मेनली ये नियो क्लासिज्म, गोथिक और रेनेसांस इन तीनों को ही रेफर करते हैं, ठीक है. और इसमें ग्लास, आयरन ऐसे चीजों का भी इस्तेमाल होता है. ये मेनली मॉडर्न लाइंस के साथ साथ ऑर्नामेंटेशन का भी मार्च करके ये चीजें बनाया जाता है. तो इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल क्या है, यूरोप में ये ग्रैंड पैलेस है पेरिस में, ये बेक्स आर्ट स्टाइल से बना हुआ है. और एक एग्जाम्पल है जो है यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है. ये दोनों है बेक्स आर्ट्स के एग्जाम्पल्स. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट नोवा. Originally served from architecture to painting and furniture design to typography. It manifests itself in decorative elements, buildings, ornaments, etc. The first buildings were designed by Belgian architect Victor Horta, authored by Frenchman Hector Guimard. ये आर्ट नोवा क्या होता है? आर्ट नोवा होता है एक डेकोरेटिव एलिमेंट. इसके डेकोरेटिव एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं बिल्डिंग्स हो, ऑर्नामेंट्स हो. ये नेचर के इस्तेमाल से ये इन्फ्लुएंस होता है, प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब से इन्फ्लुएंस होते हुए किसी प्लेस को जैसे रीडेकोरेट करना होता है, उसी स्टाइल को हम आर्ट नोवा बोलते हैं. जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये है आर्ट न्यूवा स्टाइल के एक एग्जिट पॉइंट, ठीक है. ये जो एग्जिट पॉइंट है, ये है एक आर्ट न्यूवा स्टाइल के एग्जिट पॉइंट है, ठीक है. हम देखते हैं आर्ट डेको. आर्ट डेको क्या होता है? बिल्डिंग मॉडर्न डिजाइन, हैंडक्राफ्टेड एलिमेंट्स एंड लग्जरियस मटेरियल्स. ऑगस्ट पेरेट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग. तो आर्ट डेको क्या होता है? आर्ट डेको से हम मॉडर्न डिजाइन जो होते हैं, या फिर हैंडक्राफ्टेड एलिमेंट्स, या फिर कुछ लग्जरियस सा बनाना होता है, तो ये आर्ट डेको स्टाइल बहुत इन्वॉल्व होते हैं. इसका रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट डिजाइन कौन, किसने किया था? ऑगस्ट पेरेट ने ये फर्स्ट डिजाइन किया था. ये कुछ डिजाइन है आर्ट डेको स्टाइल के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं बौहस. बौहस क्या है? बौहस वॉज बॉर्न एज द फर्स्ट डिजाइन स्कूल इन द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. बौहस है एक फर्स्ट डिजाइन स्कूल है बौहस, ठीक है. ये होता है बौहस और ये है फर्स्ट डिजाइन स्कूल. वन ऑफ इट्स फाउंडर्स वाल्टर ग्रुपिस इम्प्लीमेंटेड रिवोल्यूशनरी टीचिंग मेथड्स एंड अप्लाइड दिस प्रिंसिपल्स इन हिज मॉडर्न एंड फंक्शनल वर्क्स, ठीक है. बौहस होता है फर्स्ट डिजाइन स्कूल. इसके एक फाउंडर्स है, वन ऑफ इट्स फाउंडर्स वाल्टर ग्रुपिस, जिसने रिवोल्यूशनरी टीचिंग मेथड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे, ठीक है. नेक्स्ट स्टाइल में हम आ जाते हैं, वो आ जाते हैं मॉडर्न स्टाइल. मॉडर्न स्टाइल में क्या होता है? मॉडर्निज्म वॉज बॉर्न इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है. 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में मॉडर्निज्म का जन्म हुआ था. इट बिगेन इन जर्मनी विथ बौहस और फ्रांस विथ ले कॉर्बुज़िए और द यूएस विथ फ्रैंक लॉयड राइट. इन तीनों में से हम बोल सकते हैं कि मॉडर्निज्म का स्टार्ट हुआ था, ठीक है. मॉडर्निज्म में ये 5 पॉइंट्स होते हैं आर्किटेक्चर के, जिसमें जो हमें ध्यान रखना चाहिए. एक होते हैं द रूफ, ये है द रूफ, ठीक है. ये होता है द विंडोज. क्या क्या होना चाहिए मॉडर्निज्म के एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग में? अच्छा, नेक्स्ट होता है द पिलोटिस, द फ्लोर प्लान एंड द फैसेड. ये 5 पॉइंट्स होते हैं मॉडर्निज्म आर्किटेक्चर स्टाइल के.
नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न. पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर एग्जामिन सम ऑफ द मॉडर्निज्म सेंट्रल प्रिंसिपल्स फ्रॉम आर न्यू हिस्टोरिकल एंड कॉम्पोजिशनल पर्सपेक्टिव. पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो मॉडर्निज्म के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको री एग्जामिन किया जाता है एंड हम देखते हैं कि री एग्जामिन करके एक अलग सा एक और पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं, एक और अलग सा कॉम्पोजिशन निकल के आता है. ठीक है, इसको हम पोस्ट मॉडर्न स्टाइल बोलेंगे. डीकॉन्स्ट्रक्टिविज्म, ये डीकॉन्स्ट्रक्टिविज्म होता है नेक्स्ट स्टाइल. डीकॉन्स्ट्रक्टिविज्म स्टाइल में क्या होता है, इट रिलेट्स टू टू मेन कंसेप्ट्स. ठीक है, एक कंसेप्ट होता है यहां से डीकॉन्स्ट्रक्शन और एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म. ठीक है, एक डीकॉन्स्ट्रक्शन में क्या होता है, लिटरली एंड फिलोसॉफिकल एनालिसिस दैट रीथिंक एंड डिसमेंटल्स ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ थिंकिंग. जो ट्रेडिशनल मोड्स होते हैं थिंकिंग प्रोसेस के, उसको डिसमेंटल करके एक अलग थिंकिंग को प्रोड्यूस करना, एक अलग एनालिसिस करके एक अलग थॉट्स को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना इज डीकॉन्स्ट्रक्टिविज्म. एंड कॉन्स्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, द आर्टिस्टिक एंड द आर्किटेक्ट टेक्टोनिकल सॉरी द आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्टोनिकल रशियन मूवमेंट. ठीक है, इन दोनों को मिला के डीकॉन्स्ट्रक्टिविज्म होता है. ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बारे में. ठीक है, अब हम देखेंगे एक और नया टर्म आता है अब मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, जो है कंटेम्पररी आर्किटेक्चर. ये कंटेम्पररी आर्किटेक्चर क्या होता है, कंटेम्पररी आर्किटेक्चर होता है इट इज द डिजायर एंड द विल टू डिजाइन द बिल्ड थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज डन इन द पास्ट एंड व्हाट इज यूजुअली डन टुडे. कंटेम्पररी आर्किटेक्चर एम्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द प्रोसेसेस एंड वेज ऑफ थिंकिंग that have become standard. It is innovative. So contemporary architecture क्या होता है, it is an innovative process. ठीक है, contemporary architecture एक innovation है, एक innovative process है in interior designing और building designing. ठीक है, contemporary architecture ऐसा चीज है जो पहले किया गया है और अभी जो हो रहा है दोनों में जो डिफरेंस है उसी को मेजर करना है. जो पहले हो चुका है उसके थ्रू हम कुछ और अलग डिजाइन बना रहे हैं जो कभी अभी तक हुआ नहीं है. ऐसे चीज को हम कंटेम्पररी आर्किटेक्चर बोलेंगे. टू ब्रेक अवे फ्रॉम द प्रोसेसेस एंड द वेज ऑफ थिंकिंग, जो हम सोच रहे थे इतनी दिनों से या फिर जो प्रोसेस चल रहा था उसको ब्रेक करके हम कुछ मॉडर्न थिंक कर रहे हैं, मॉडर्न रीथिंकिंग कर रहे हैं और मॉडर्न डिजाइन बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है. दैट इज नोन एज कंटेम्पररी आर्किटेक्चर. ठीक है, समझ गए. तो कंटेम्पररी आर्किटेक्चर ऐसे होते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे अभी बहुत ऐसे बिल्डिंग्स देखते हैं, जैसे ये वाला, ये कोई एक जो प्रोसेस चल रहा था वैसा एक कोई बिल्डिंग नहीं है, ये अलग बिल्डिंग है, एक अलग तरीके से बनाया हुआ डिजाइन है. जैसे ये भी है और ये भी है और ये ऐसे ओपन स्पेस वाला बिल्डिंग भी हम अभी बहुत देख रहे हैं. ठीक है, तो जो कंटेम्पररी आर्किटेक्चर होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि एक कंटेम्पररी आर्किटेक्चर होने के लिए कुछ भी आर्किटेक्चरल मूवमेंट के लिए हम अगर उसको कंटेम्पररी आर्किटेक्चर के थ्रू देखेंगे तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेम्पररी आर्किटेक्चर कोई मूवमेंट नहीं है. ठीक है, जैसे हमने पहले देख लिया आर्किटेक्चरल स्टाइल में, जैसे बैरोक हो गया या फ्यूचरिज्म या मॉडर्निज्म हो गया, तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है कंटेम्पररी आर्किटेक्चर. ये बिल्कुल अलग सा एक अलग आर्किटेक्चर है जिससे कोई पहले के प्रोसेस से मूवमेंट नहीं मिल रहा है. इट इज नॉट एन आर्किटेक्चरल मूवमेंट. ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं, इट टेंड्स टू ऑप्टिंग
more often for curved lines rather straight lines. कंटेम्पररी आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग होगा उसमें हम देखेंगे कि ज्यादातर कर्व्ड लाइन यूज हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस बहुत ही कम यूज होते हैं. इट अटेम्प्ट्स टू असेंबल क्यूब्स इन सरप्राइजिंग वे सो एज टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम्स. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो क्यूब्स है उसको ऐसे असेंबल किया जाता है ताकि जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है एक आर्किटेक्चर का या बिल्डिंग का, वो हम बढ़ा सके या फिर जैसे हमको चाहिए वैसा स्पेस हम या फिर वॉल्यूम हम एड अप कर सके. सेकंड है, अनदर इज इट यूजेस न्यू मटेरियल्स फॉर बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, पर्टिकुलरली ऑन रूफ्स एंड ऑन द वॉल्स. आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि रूफ्स के या फिर बैल्कनी में या फिर वॉल्स में, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, कोई भी प्लांट हम लगा रहे हैं या फिर ऐसे ही कोई न्यू मटेरियल्स बहुत यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि हम इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, दोनों ही मैटर्स से हम एक बिल्डिंग को बहुत ही अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं. तो ये भी कंटेम्पररी आर्किटेक्चर के अंडर ही आते हैं. लार्जर एंड मोर प्लेंटीफुल विंडोज, दैट इज पैनोरमिक विंडो, स्काईलाइट्स एक्सेट्रा. सो आजकल हम बहुत बिल्डिंग्स में देख रहे हैं स्काईलाइट्स ऐसे होते हैं या फिर बहुत बड़े विंडोज और बहुत ज्यादा वेल लीट या फिर बहुत ज्यादा एयर स्पेस मूवमेंट हो रहा है, ऐसे कुछ विंडोज हम देखते हैं. हम बाद में फिर से पढ़ेंगे विंडोज के बारे में, ठीक है. तो कंटेम्पररी आर्किटेक्चर में ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि लार्जर एंड बहुत बड़े एंड बहुत मोर प्लेंटीफुल विंडोज हम देखते हैं. इको हाउसिंग इज ऑल्सो डन बाय कंटेम्पररी आर्किटेक्चर. इको हाउसिंग क्या होता है, इको हाउसिंग होता है कि हम ऐसे चीजों को यूज करते हैं कुछ हाउसिंग डिजाइन के लिए जो एनवायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाए और हम कम से कम एनवायरमेंट रिसोर्सेस को यूज कर सके, या फिर जो भी हम घर के अंदर यूज कर रहे हैं वो फिर से रीयूज हो सके. जैसे हम अगर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही पानी अगर फाउंटेन के थ्रू हम फिर से रीडेकोरेट करें तो वही पानी हम फाउंटेन के थ्रू रीयूज कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा आर्किटेक्चुरल डिजाइन भी बहुत इंप्रूव हो रहा है. तो लास्ट होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइडिया टू मेक द बिल्डिंग फील मोर अलाइव एंड टू मेक इट्स आउटर पोर्शंस मोर एनिमेटेड. ये लास्टली क्या होता है, एनिमेटेड आर्किटेक्चर. अगर कोई लाइट्स बिल्डिंग, एक्सटीरियर बिल्डिंग लाइट्स हो या फिर प्रोजेक्शंस हो फैसेट्स के ऊपर, तो इसी को हम एनिमेटेड आर्किटेक्चर बोल रहे हैं कि बाहर से कोई प्रोजेक्शंस अगर बिल्डिंग के ऊपर पड़ रहा है तो बिल्डिंग मोर अलाइव दिखते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं. तो ये सारे हो गए कंटेम्पररी आर्किटेक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाएंगे, होते हैं वॉल फिनिशेस. वॉल फिनिशेस क्या होता है, इट रेफर्स टू द फिनिश गिवन टू द वॉल्स टू एनहेंस द इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक ऑफ द स्ट्रक्चर. द न्यू कंटेम्पररी ट्रेंड हैज ब्रॉट अबाउट ग्रेट डील ऑफ इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल फिनिशेस. तो हम वॉल फिनिशेस मतलब क्या देखते हैं, कोई भी इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, अगर दीवार का फिनिशिंग ठीक से नहीं होगा तो वो सही नहीं दिखेगा और उसमें हम कुछ डिजाइन या पैटर्न भी एड अप नहीं कर सकते. तो हमारा ये बहुत जरूरी होता है, कुछ भी इंटीरियर डिजाइन हो या बिल्डिंग डिजाइन हो, उसकी वॉल फिनिश्ड अप हो, जो दीवार होते हैं उसको फिनिश अप करके फिर उसके ऊपर हम कुछ पैटर्न्स करते हैं ताकि वो बिल्डिंग या इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे या फिर आई कैचिंग दिखे, ठीक है.
तो सम ऑफ द वॉल फिनिशेस हम कुछ डिस्कस करेंगे. कुछ वॉल फिनिशेस को हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं. जैसे पहले हम देखते हैं सीमेंट प्लास्टर्ड फिनिश. अभी बहुत सारे जगह पे है ना सिर्फ सीमेंट का प्लास्टर लगा के ही उसको फिनिश अप किया जाता है और उसको एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर दिया जाता है. सो उसी को हम बोलते हैं सीमेंट प्लास्टर्ड फिनिश्ड. तो ये जो होता है प्रिपरेशन कैसे होते हैं, मिक्सिंग सीमेंट सैंड एंड वाटर, ये सबको पता है. इसको हम मोर्टर बोलते हैं और ये मैसनरी मैनुअली से ये अप्लाई किया जाता है. सेकेंडली हम देखते हैं सीमेंट टेक्सचर्ड फिनिश. सीमेंट फिनिश अप करके उसके ऊपर हमारा टेक्सचर किया जाता है, कुछ भी टेक्सचर, तो उसको वो भी देखने में बहुत अच्छा दिखता है. तो ये कैसे प्रिपेयर होता है, मोर्टर जैसे इसमें यूज होते थे तो वैसे ही यहाँ पर भी ये सीमेंट बेस्ड मटेरियल यूज होते हैं. और अप्लाई कैसे करते हैं, सैंड फेस्ट प्लास्टर विथ ट्रोल से इसको अप्लाई किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की फिनिश. प्लास्टर ऑफ पेरिस फिनिश, ठीक है, इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स. और इसको जनरली इंटीरियर वॉल्स पे ही अप्लाई किया जाता है. कुछ ऐसा डिजाइन भी बनाया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जिप्सम प्लास्टर फिनिश. ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही, लेकिन इसमें जिप्सम मटेरियल यूज होते हैं. ये मेनली सीलिंग्स या कॉर्नर्स के लिए यूज होते हैं, मेनली जनरली इंटीरियर वॉल्स के लिए यूज होते हैं. कुछ ऐसे डिजाइन्स के लिए ये जिप्सम प्लास्टर फिनिश यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लास मोजाइक फिनिश. ये जो ग्लास मोजाइक फिनिश है ये हम मैक्सिमम स्विमिंग पूल्स हो या टॉयलेट्स में हो या वॉशरूम में हो ये हम देखते हैं. ऐसे कुछ छोटे छोटे टाइल्स होते हैं जिसको एक साथ करके एक वर्कएबल साइज का बनाया जाता है. ऐसे कुछ ऐसे दिखते हैं. ठीक है, इसको एडहेसिव से वॉल पे लगाया जाता है. नेक्स्ट डिजाइनर मिरर फिनिश. तो ये स्मॉल मिरर पीसेस से प्रिपेयर किया जाता है और एडहेसिव से ये लगाया जाता है टू क्रिएट अ डिजाइन. ऐसे कुछ डिजाइन्स बनाया जाता है और कभी कभी इस मिरर से एक पूरा का पूरा वॉल भी बनाया जाता है. तो ये होता है मिरर फिनिश. ठीक है, नेक्स्ट होता है लैमिनेट फिनिश. लैमिनेशन हमने देखा है ना, तो ये लैमिनेट फिनिशेस ऐसे होते हैं. इंटीरियर में ये मैक्सिमम यूज होते हैं, लिविंग रूम्स हो या फिर ड्राइंग रूम्स हो, यहाँ पे ये सब यूज हो सकते हैं. ऐसे दिखते हैं कहीं. ओके, नेक्स्ट होता है मार्बल पाउडर फिनिश. मार्बल पाउडर से भी कुछ ऐसे टाइल्स बनते हैं, ऐसे टाइल्स बनते हैं. जैसे इसको मैन्युअली अप्लाई किया जाता है वॉल्स पे, इंटीरियर वॉल्स पे मेनली यूज किया जाता है. ये मार्बल पाउडर सीमेंट और वाटर से प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे वॉल फिनिशेस क्या क्या होते हैं. बहुत कम हमने डिस्कस किया है, बस नेम्स याद रख लीजिए तो भी चलेगा. कुछ ऐसे उसका डेफिनेशंस या प्रिपरेशंस बहुत सारे याद रखने की जरूरत नहीं है. तो हम आ जाते हैं इस चैप्टर के ही लास्ट पॉइंट पे, जो है विंडो एंड विंडो ट्रीटमेंट्स. पहले बताया था ना कि हम विंडोज के बारे में बात करेंगे. तो विंडोज में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है, तो पहले हम देख लेते हैं विंडो हम कैसा चाहते हैं या फिर कैसा बोलते हैं. ठीक है, तो विंडो में हम देखते हैं विंडो इज एन ओपनिंग इन आवर वर्ल्ड दैट अलाउज द पैसेज ऑफ लाइट एंड एयर एंड साउंड. ठीक है, तो हम विंडो इसीलिए बनाते हैं ना कि बाहर के लाइट जो है फ्रेश एयर है या फिर बाहर का जो साउंड है, जो इंडोर और आउटडोर का जो कनेक्शन है वो बन सके. तो इसी के लिए हम विंडोज बनाते हैं, है ना. तो इट ऑल्सो परफॉर्म अ मेजर रोल दैट दे अलाउ फॉर द इंडोर आउटडोर रिलेशनशिप. ठीक है, तो हम विंडोज को बनाते हैं कि इंडोर और आउटडोर में एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप हम बना सके. द प्लेसमेंट ऑफ द ओपनिंग्स विल इन्फ्लुएंस द अरेंजमेंट ऑफ द फर्नीचर. तो
तो एक रूम में जहाँ पे विंडो होगा या फिर डोर हो गए, तो विंडोज और डोर्स के अकॉर्डिंग ही उस रूम का फर्नीचर्स अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अगर विंडोज और डोर्स को हम सही तरीके से अरेंज करें तो ही हम एक पूरे रूम का पूरा स्पेस इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। Windows are held in a place by frames which prevent them from collapsing. तो windows के कुछ frames होते हैं जिस जो windows को hold करके रखते हैं। वो अब ये windows के जो frames है उसको हम एक brief देख लेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो features of windows क्या क्या होते हैं, head jump, side jump, casing, mountain, sash, seal और apron। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। बस ये याद रख लीजिए कि कहाँ से कौन सा, ये कौन कौन सा है, ये एक लाइन की दो लाइन का एक डेफिनेशन है। बस इतना याद कर लीजिए कि विंडो का कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। ठीक है, तो हेड जंप क्या होता है, द टॉप हॉरिजेंटल सेक्शन ऑफ अ विंडो फ्रेम। जो विंडो फ्रेम के एकदम टॉप होते हैं ना, ये टॉप हॉरिजेंटल, ये होता है हेड जंप। साइड जंप क्या होता है, दिस आर द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑन ईच साइड ऑफ अ विंडो फ्रेम, द पार्ट दैट गेट्स फास्टेंड टू द फ्रेमिंग विद स्क्रू एंड नेल्स। तो ये जो साइड का जो पार्ट्स होते हैं इसको हम साइड जंप बोलते हैं। अ कवर और शेल दैट प्रोटेक्ट्स और इनक्लोजेस अ विंडो, दैट इज केजिन। जो एक कवर और एक शेल होते हैं ना जो विंडो को प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम केजिन बोलते हैं। माउंटेन रेफर्स टू द वर्टिकल डिवाइडर्स दैट सेपरेट ग्लास पैंस इन अ विंडो। एक विंडो के अंदर अगर एक ग्लास को ऐसे सेपरेट किया जाए तो ये जो हमने सेपरेट किया इसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, शेश क्या होता है, इट इज वुड और मेटल फ्रेम दैट होल्ड्स द ग्लास पेन्स एंड इज यूजुअली मूवेबल। तो जो ये ग्लास पेन है, इसको जो हम इसको होल्ड करने के लिए जो फ्रेम बना रहे हैं उसको हम शेश बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्लास पेन है इसको होल्ड करने के लिए जो ये चारों तरफ जो होल्ड करने के लिए ये जो होगा तो इसको हम ग्लास ये शेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये और एक होता है सिल, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द विंडो ऑन व्हिच द कैसमेंट्स रेस्ट। तो ये जो विंडो है, ये विंडो का कैसमेंट है, इसके नीचे जो बेस होता है इसको हम सिल बोलते हैं, जहां पे ये कैसमेंट रेस्ट होता है। एप्रोन क्या होता है, द स्ट्रिप ऑफ वुड प्लेस्ड अंडरनीथ द सील फॉर सपोर्ट। ठीक है, ये सील के नीचे जो एक एक लकड़े का सपोर्ट होता है इसको हम एप्रोन बोलेंगे। तो विंडोज के क्या क्या फीचर्स होते हैं, बस इतना याद रख लीजिए कि हेड जैम होता है, साइड जैम दो होते हैं, कैसिन होता है, मंटीन होता है, सैश होता है, सील होता है और एप्रोन होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं विंडोज के। ठीक है, क्योंकि विंडोज के टाइप्स के ऊपर ही उसके ट्रीटमेंट्स डिपेंड करते हैं कि कैसे टाइप्स के विंडो है उसी के ऊपर विंडो ट्रीटमेंट्स डिपेंड करेंगे। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं बस इतना याद रख लीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, हर एक टाइप का हर एक पिक्चर्स दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं, पहले होता है डबल हंग, इसको हम डबल हंग बोलते हैं, ये दो स्लाइड्स होते हैं ना, ये दो स्लाइड्स को डबल हंग बोलते हैं और एक स्लाइड होगा तो सिंगल हंग बोलेंगे। नेक्स्ट होता है आर्च विंडो, ये जो आर्च है इसको हम, ये आर्च है इसलिए हम इसको आर्च विंडो बोलते हैं। ओइंग विंडो क्या होता है, ओइंग विंडो होते हैं जो ये हॉरिजेंटली खुलता है लेकिन सिर्फ बॉटम से। ठीक है, ये बॉटम से हॉरिजेंटली खुलता है, इसको ओइंग विंडो बोलते हैं। हॉपर विंडो कौन सा होता है, ये भी हॉरिजेंटली खुलता है लेकिन
टॉप से, ये टॉप से खुलता है लेकिन इसको हॉरिजेंटली खुलते है, ये है हॉपर विंडो। बे विंडो कौन सा होता है? बे विंडो होता है थ्री और मोर विंडोज जो एक एक साथ मिलके एक बहुत लार्ज स्पेस बनाते हैं, इसको हम बे विंडो बोलते हैं, जैसे ये, ठीक है। बो विंडो कौन सा होता है? फोर और मोर विंडोज मिलके जो ये बहुत बड़ा एक स्पेस बनाता है, इसको बो विंडो बोलते हैं। नेक्स्ट कैथेड्रल विंडो, ये जो कैथेड्रल विंडो होता है ये एकदम स्लैंटेड विंडो होते हैं जिसके एक हाइट सेट किया जाता है और ऊपर से ये कैथेड्रल सीलिंग की तरह दिखते हैं, तो इसको हम कैथेड्रल विंडो बोलते हैं। सेलेस्टोरिया विंडो क्या होता है? जो एक रूम के ऊपर के हिस्सों में जो एक विंडो होते हैं उसको हम सेलेस्टोरी विंडो बोलते हैं। कॉर्नर्स विंडो, जो रूम के कॉर्नर में ऐसे बनते हैं उसको कॉर्नर विंडो बोलेंगे। डॉर्मर क्या होते हैं? डॉर्मर होते हैं जो मेनली एटिक्स में होते हैं। एटिक्स में जो एक स्मॉल प्रोजेक्शन हो, एटिक्स में अगर स्मॉल प्रोजेक्शन हो उसमें एक कोई विंडो लगाया है तो इसको हम डॉर्मर बोलते हैं। फ्रेंच डोर, फ्रेंच डोर इज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी डोर लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लाइट या विजुअल्स का इफेक्ट आता है। ऑर्डिनरी डोर में लाइट्स कम पास होते हैं लेकिन फ्रेंच डोर में जो ये आर पार दिखने वाला है ऐसा फ्रेंच डोर होता है। ये रूम्स के अंदर, दो रूम्स के अंदर भी लगाया जा सकता है, जैसे एक स्टडी रूम हो गया और ड्राइंग रूम हो गया, उसके बीच में एक अगर डोर लगाया जाए तो उसको फ्रेंच डोर लगा सकते हैं ताकि स्टडी रूम से ड्राइंग रूम दिखे और ड्राइंग रूम से स्टडी रूम दिखे। जलौसी, जलौसी क्या होते हैं? जलौसी होते हैं ऐसे नैरो ग्लास स्ट्रिप्स होते हैं, नैरो ग्लास स्ट्रिप्स जो एक डिफरेंट एंगल्स में ही सिर्फ खुलते हैं। पिक्चर विंडो, पिक्चर विंडो ऐसे होते हैं, एक लार्ज पैनल होते हैं, लार्ज ग्लास पैनल होते हैं जैसे ये वाला, तो इसको ये स्लाइड भी पार्शियल स्लाइडर भी होते हैं कभी और पूरा का पूरा विंडो भी होते हैं, तो इसको हम पिक्चर विंडो बोलते हैं। नेक्स्ट होता है स्काईलाइट, स्काईलाइट्स होते हैं स्मॉल विंडोज जिसके वन और मोर फिक्स्ड पैन्स होते हैं ऑफ ग्लासेस, ठीक है। ये मेनली रूफ या सीलिंग में लगाया जाता है। फिर आता है स्लाइडिंग केसमेंट, ये सभी को पता है, अभी बहुत सारे कंपनीज में भी लगाया है, कभी कभी घर में भी लगाते हैं, ये स्लाइडिंग केसमेंट्स है। ये साइड टू साइड स्लाइड फॉर्म में जाता है, जैसे ये हॉरिजेंटली स्लाइड कर सकते हैं। स्विंगिंग कैसमेंट, स्विंगिंग कैसमेंट होता है विंडो पैनल्स जैसे हैंग्ड एट द साइड सो दैट द फुल एरिया ऑफ द विंडो इज ऑपरेटेड, ठीक है। जब भी ये पैनल खोला जाए, जैसे नॉर्मल विंडो, जब भी ये जो पैनल है ना, ये पैनल खोला जाए तो फुल व्यू आपको मिले। विंडो वॉल, ये विंडो वॉल मेनली बहुत कंपनीज के या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाता है, जैसे पूरा वॉल ही, जैसे ये है ना पूरा वॉल एक विंडो की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए टाइप्स, कैसे कैसे विंडो के टाइप्स होते हैं। तो हम फिर देख लेते हैं कि विंडो ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एनी ट्रीटमेंट इज टू मेक द विंडो फंक्शन एंड टू मेक इट अट्रैक्टिव फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो विंडो ट्रीटमेंट किस लिए होते हैं? विंडो ट्रीटमेंट ताकि विंडो ठीक से फंक्शन करे और ये अट्रैक्टिव भी लगे बाहर से भी और अंदर से भी। तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं एक विंडो के लिए? बाहर के लिए कुछ होते हैं और अंदर के लिए कुछ होते हैं। तो एक्सटीरियर विंडो ट्रीटमेंट्स में क्या क्या आते हैं और इंटीरियर विंडो ट्रीटमेंट्स में क्या क्या आते हैं ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें आपको पिक्चर्स में दिखा देती हूँ तो आपको याद रह जाएगा। बस आपको इनके नाम याद करने हैं कि एक्सटीरियर विंडो ट्रीटमेंट्स में क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं और इंटीरियर विंडो ट्रीटमेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं। तो एक्सटीरियर विंडो ट्रीटमेंट्स में आते हैं पहले ओनिंग्स। ओनिंग्स होते हैं ना जो विंडो के बाहर की तरफ
होते हैं उसको awnings बोलते हैं, which protect a window from rain, sun and wind. ठीक है, फिर आते हैं grills. Grills mainly किए जाते हैं woods के होते हैं, plastic के होते हैं, aluminium के होते हैं या फिर steel के होते हैं. ये mainly privacy control या फिर sun या wind इन सब के लिए use होते हैं. फिर होते हैं आउटसाइड शटर्स. आउटसाइड शटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही कम यूज होते हैं, लेकिन जो ये जो खिड़की है, खिड़की के बाहर एक और खिड़की लगा रहता है. ये वुड के भी हो सकते हैं, ये कुछ प्लास्टिक के भी हो सकते हैं. ठीक है, ये मेनली वुड्स के ही होते हैं और ये मेनली मेडिटेरियन कंट्रीज में ही देखा जाता है. इसको लाइट, हीट या कोल्ड के कंट्रोल के लिए ही यूज किया जाता है. ओवर हैंगिंग रूफ्स, ये विंडो के ऊपर ये जो ओवर हैंगिंग रूफ्स होते हैं, इसको हम यूज करते हैं ताकि सन से प्रोटेक्शन मिले, अच्छा प्राइवेसी कंट्रोल मिले. इसके लिए ये सब, इसके लिए ओवर हैंगिंग रूफ्स हम यूज कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पे है और शटर्स. शटर्स जो होते हैं ये बाहर भी होते हैं और ये अंदर भी होते हैं, हम बाहर भी लगा सकते हैं. ये भी प्राइवेसी कंट्रोल या फिर सन या फिर बारिश इस सब से बचने के लिए शटर्स लगाया जाता है. ठीक है, ये सब हो गया एक्सटीरियर ट्रीटमेंट्स. अब इंटीरियर ट्रीटमेंट में क्या आता है, इंटीरियर ट्रीटमेंट्स में आते हैं हम अंदर की तरफ कुछ लगा रहे हैं ताकि बाहर से हमें हमें प्राइवेसी मिले. कभी कभी प्राइवेसी भी चाहिए होता है ना एक रूम में, तो प्राइवेसी मिले या फिर सन से सन लाइट या फिर धूप बारिश ये सब से हमको प्रोटेक्शन मिले. तो क्या क्या यूज किए जाते हैं, ब्लाइंड्स जो ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं वो होते हैं ब्लाइंड्स, इसको ब्लाइंड्स बोलते हैं. शेड्स, ये शेड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं. ये है पुल डाउन शेड्स. ये मैंने यहाँ पे जो पिक्चर लगाया है ना, ये है पुल डाउन शेड्स. इसके अलावा भी रोमन शेड्स होते हैं, ऑस्ट्रियन शेड होते हैं और बॉटम अप शेड भी होते हैं. और फिर हम कुछ डेकोरेशन के लिए ये बीड्स वाले भी लगाते हैं इंटीरियर डेकोरेशन के लिए. फिर ये लैम्बरकिन्स भी लगाते हैं, ये भी डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी ये लगा सकते हैं. फिर आता है ये शूजी स्क्रीन. शूजी स्क्रीन क्या होता है, शूजी स्क्रीन ऐसे ये पेपर्स के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं. ये मेनली पेपर स्क्रीन ही होते हैं. ठीक है, ये स्लाइडिंग विंडोज होते हैं और वॉल पार्टीशंस ना स्लाइडिंग विंडोज की तरह यूज होते हैं. ठीक है, और ये पैनल ट्रैक. पैनल ट्रैक भी क्या होते हैं, ये भी स्लाइडिंग होते हैं और ये फैब्रिक के बने होते हैं, तो ये भी हमारे प्राइवेसी कंट्रोल या फिर सन बारिश इन सब से बचाने के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट्स यूज कर सकते हैं विंडो के लिए. अब विंडो के लिए हम कुछ और भी यूज करते हैं जो इंटीरियर होता है, वो होते हैं कर्टेंस एंड ड्रेपरीज. कर्टेंस एंड ड्रेपरीज आर बोथ काइंड ऑफ सेम थिंग्स, बट दे आर डिफरेंट इन सर्टेन वेज. कर्टेंस मेनली क्या होते हैं, दे मेड ऑफ शीयर लाइट वेट फेब्रिक. ठीक है, ये बिल्कुल कांच के नेक्स्ट ही जो मिरर होते हैं, मिरर के नेक्स्ट ही इसको हम लगाते हैं. इसको हम यूज अकेले सिर्फ कर्टेंस नहीं लगा सकते, इसके साथ ड्रेपरीज भी हमको यूज करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन ड्रेपरीज में क्या होता है, ड्रेपरीज आर मेड ऑफ हैवी फैब्रिक्स. ठीक है, ये दो है इसका मेन डिफरेंस. ड्रेपरीज आर मोर हैवी फैब्रिक्स हंग नेक्स्ट टू कर्टन्स. ठीक है, तो कर्टन्स जो होते हैं ग्लास के बिल्कुल पास में ही कर्टन्स लगते हैं और कर्टन्स के ऊपर ही हम ड्रेपरीज लगाते हैं. तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बस आपको नेम्स याद रख लेना चाहिए कि कैसे कैसे होते हैं. बस टाइप्स क्या क्या होते हैं कर्टन्स ड्रेपरीज के, तो ये हो गया कैफिर कर्टन्स जो ऐसे दिखते हैं काइंड ऑफ. ठीक है, कॉर्निश कर्टन्स, कॉर्निश जो इसको कॉर्निश बोलते हैं जो विंडो के ऊपर होते हैं, उसके
साथ जो हैंग होते हैं उसको कॉर्निस कर्टन्स बोलते हैं, क्रिस क्रॉस कर्टन आर दिस, ठीक है। और फिर हो गया जैबोर्ड्स, फ्रेंच प्लीटेड शैश कर्टन्स, ओके, स्वैग कैस्केड्स, टायर कर्टन्स, वैलेंस कर्टन्स, ठीक है। ये सब हो गए कर्टन्स के टाइप्स, बस इतने आपको नेम्स याद करने हैं। मैंने पिक्चर्स दिए हैं बस आपको समझाने के लिए कि क्या डिफरेंस है सारे टाइप्स के अंदर, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं लास्ट जो होते हैं कि कर्टन जो प्लीट्स होते हैं, कर्टन के जो प्लीट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये चार टाइप्स के हम देख सकते हैं। एक होते हैं गॉबलेट प्लीट, ये होता है फ्रेंच प्लीट, ये होते हैं बॉक्स प्लीट एंड ये होते हैं ट्रिपल प्लीट्स, ठीक है। बस इन सब में बस आपको नेम्स ही याद रखने हैं और कुछ डेफिनेशन ऐसा नहीं आते हैं तो, और कैरेक्टरिस्टिक भी ऐसा कुछ आता नहीं है, तो बस आप नेम्स याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन का लास्ट चैप्टर जो था वो मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।